कि कहीं से भी कोई अच्छी अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं को पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए। आईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। मैं हैरान हूं कि हम मुसलमान अपनी तारीख से वाकिफ होने के बावजूद अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। वजह है नोकिया हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर पेप्सी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ इंडियन ही क्यों बनते हैं। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स की सक्सेस के पीछे एक हिंदू सेंट, एक हिंदू गुरु का हाथ। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। इवन सीईओस को छोड़े प्राइम मिनिस्टर तक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अब इंडियन ओरिजिन बनने लगे हैं। आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डायस्पोरा काम कर रहा है, जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो तार साहब, ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए मारा एक दूसरा। मैं आप अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं, हम वो हैं। करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं जो कुछ हो रहा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती। मुझे ये प्रूफ कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे आप चला पाएंगे? यकीनन ना, जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओ जो लगे हैं पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए हमने उसके अंदर देखे, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं, और ये इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया, उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, तीन सीक्रेट। और ये किसी भी कॉम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी वो कॉम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया, बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपने लीडरशिप है उस पर इत्माद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट मायसेल्फ, और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना, मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था, होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर, I'm glad they are taking revenge for that, perfect. मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा, बिल्कुल उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है। मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों को कंट्रोल करें, लर्न करें आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं, खुदा रहा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, लर्निंग मोड में जाओ, और लर्न ऐसे ही होना चाहिए। लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते, और मैं यही चाहूंगा। मैंने आपको कहा था कि आई विश मैं मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखूं आज।
सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे नहीं, उसको छोड़े मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना, एचिसन कॉलेज ही देख लें आप, फिर ये आहत चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको, मैं फिर क्या करूँ। इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं तो साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे, हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है, डीएनए एक है लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब, भारत के इंस्टीट्यूशन उनके उनका उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, दो लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके ला स्कूलों में आज तक आपका ला पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको उसके स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? मैंने उनके बारे में बड़ा उनके बारे में मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था, और मैं क्या यार अगे पढ़े ने सीईओ इंडियन ने एक पीस और आ गया, लेकिन उसमें बात यह है सर उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर, तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर, ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो, या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है। इंडिया जो है वो ज्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके, तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहां सच्चा कौन है और झूठा कौन है, उनका फायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें।